हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसी चैनल। तो आप सभी का कुछ डाउट्स है, कॉमन डाउट्स, तो उसका ऊपर आज का ये वीडियो है। तो मैं आज जो है लाइव नहीं आ सका, तो इसलिए आज का ये वीडियो है। कल मैं लाइव आकर आप सभी का अलग अलग करके डाउट सुनूंगा एंड उसके साथ साथ क्लियर भी करूंगा। और अगर आपको कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है और इंक्वायरी है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और आप सभी को पता ही है कि मैं हर किसी का डाउट सुनता हूँ एंड उसके साथ साथ उससे मैं खुद कॉन्टैक्ट करने के साथ साथ उसका डाउट सॉल्व भी करता हूँ। तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या डाउट है आप सभी का, कि आप सभी का मन में कुछ डर है तो उसको ही आज हम क्लियर करेंगे। सिर्फ उसका ही लिए आज का वीडियो है। तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या डाउट्स है आप लोगों का। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है कि फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट करना ही होगा क्या? तो देखो, इसका जो आंसर होगा येस। फर्स्ट राउंड में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा एंड उसके बाद ही सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। एंड उसी सीट अलॉटमेंट लेटर को लेकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी करने जाना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं करवाते हो फर्स्ट राउंड में, तो आपका जो है फर्दर किसी भी राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, आप काउंसलिंग से ही बाहर हो गए। फर्स्ट राउंड में आपको सीट एक्सेप्ट करना ही होगा एंड उसके साथ साथ आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होगा, ये मस्ट है। तो यही सबसे जो बड़ा डाउट है। एंड उसके बाद और एक डाउट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोफार्मा हमारे पास नहीं है, तो कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? तो देखो, ये जनपद सिंह जी का ऑफिशियल साइट में नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को जिस कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है उसी कॉलेज का ऑफिशियल साइट में आपको मिलेगा। वो लोग अपना अपना नोटिस देगा, फिर जाके आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट और प्रोफॉर्मा आएगा। एंड इसके बाद जो डाउट है कि अपग्रेडेशन येस एंड अपग्रेडेशन नो कैसे करें, इसको आपको ऑफलाइन में ही करना होगा। आपको जनपद सिंह जी का ऑफिशियल साइट में ही अपग्रेडेशन येस फॉर्मेट एंड अपग्रेडेशन नो फॉर्मेट मिल जाएगा। एंड उसको डाउनलोड करने के बाद आपको खुद का एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आप खुद का मर्जी से ही आप जो है अपग्रेडेशन येस और अपग्रेडेशन नो कर रहे हो। जो लोग अपग्रेडेशन येस करोगे उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। जो डॉक्यूमेंट्स जनपद सिंह जी का अंदर एक्सप्लेन किया गया था वही सारे लगेगा। जो लोग अपग्रेडेशन नो करोगे, मतलब जो लोग एडमिशन लोगे, उसके लिए सिर्फ ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जनपद सिंह जी का अंदर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स बोला था, जनपद सिंह जी का काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, उसको छोड़कर भी कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो लोग एडमिशन करवाओगे, जैसे करके मेडिकल प्रोफॉर्मा एंड ETC। तो जो लोग अपग्रेडेशन येस करवाओगे उसको सिर्फ जनपद सिंह जी का अंदर काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे मैंने पहले ही बोला था वही सारे डॉक्यूमेंट्स ही चल जाएगा। बट जो लोग एडमिशन करोगे उसको जो है जिस कॉलेज में उसको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का जो नोटिस उसको चेक करना होगा एंड एडमिशन प्रोसेस के अंदर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होगा वो सभी डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करना होगा। तो यही सारे बात थे, मेडिकल प्रोफॉर्मा कहाँ से मिलेगा, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज से ही आपको जो है उसी कॉलेज को ऑफिशियल साइट से ही आपको मिल जाएगा। तो यही सारे बात है, इसको ही ध्यान में रखना और कल मैं लाइव आऊँगा एंड आप सभी का डाउट्स क्लियर करूँगा। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।